हेलो दोस्तों, स्वागत है इस YouTube चैनल एबिलिटी शेयर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि YouTube पर वीडियोज अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, कुछ यूट्यूबर्स, खासकर नए यूट्यूबर्स, YouTube एप्लीकेशन से ही अपने वीडियोज अपलोड करते हैं, पर आप ऐसा ना करें। बेहतर होगा कि आप अपने वीडियोज गूगल क्रोम से ही अपलोड करें, और क्यों वो आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर आना है, और क्रोम पर आने के बाद ऊपर कोने में जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने सर्च बॉक्स पे टाइप कीजिए youtube.com और सर्च कीजिए। और उसके बाद साइन इन कीजिए। तो दोस्तों, अब हम साइन इन कर चुके हैं। ये जो होम पेज आया हुआ है, ये क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक का होम पेज है, और एक आता है यूट्यूब स्टूडियो बेटा। आप सेटिंग से कहीं भी जा सकते हैं, स्टूडियो बेटा या फिर क्रिएटर स्टूडियो पे, और दोनों से ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक किया हुआ है। अब आपको वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करना है, और उसके बाद अपलोड वीडियो पे, और उसके बाद सेलेक्ट फाइल्स टू अपलोड यहाँ पे, और उसके बाद अपना वीडियो सेलेक्ट करना है, और उसके बाद अपलोड करना है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप वीडियो अपलोड करें, पहले उसे प्राइवेट मोड में ही रखें। और सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, यानी थंबनेल, टेक्स्ट, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन आदि कंप्लीट करने के बाद ही उसे पब्लिक करें। अगर आप पहले ही उसे पब्लिक करके पब्लिश कर देंगे और ये सब इनकम्प्लीट रहेंगे, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन ये सब, तो फिर लोग उसे देख चुके होंगे और ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो बेहतर यही होगा कि पहले उसे प्राइवेट में रखें, सब कुछ कंप्लीट करें, और उसके बाद ही उसे पब्लिक करके पब्लिश करें। तो दोस्तों, ये तो था क्रिएटर स्टूडियो से वीडियो अपलोड करने का तरीका। अगर आप यूट्यूब स्टूडियो बेटा से वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, और उसके बाद यूट्यूब स्टूडियो बेटा पे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर में है अपलोड वीडियो, और सेकंड में है अपलोड वीडियो बेटा न्यू। तो ये न्यू आया हुआ है, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। उसके बाद यहाँ क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अपना वीडियो सेलेक्ट कीजिए, तो चलिए हम इस वीडियो को सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे ऊपर में जो आया है वो है टाइटल। तो यहाँ आपको अपने वीडियो का नाम देना है, जिस टॉपिक का वीडियो है टाइटल भी वैसे ही दें। और एक बात हमेशा याद रखें कि वीडियो को अपलोड करने से पहले ही आप उस ओरिजिनल वीडियो फाइल यानी रॉ वीडियो फाइल को उस नाम से सेव कर लें जिस नाम से आप उसे यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं, और उसके बाद अपलोड कीजिए, ये बेहतर होता है। और उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप अपने वीडियो के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी जो भी उस वीडियो में है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के शुरुआत में आप अपने सब्सक्राइबर्स को वेलकम भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इस तरह से, या आप अपने हिसाब से लिखिए। उसके बाद डिस्क्राइब शुरू कीजिए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स भी दे सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और उनके साथ साथ आप अपने दूसरे वीडियोज़ के लिंक्स भी यहाँ दे सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आता है थंबनेल। यहाँ आपको कस्टम थंबनेल पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको अपना थंबनेल सेलेक्ट करना है जो भी आपने अपने वीडियो के लिए बनाया है। तो मैं यहाँ इस फोटो को सेलेक्ट करता हूँ,
तो देखिए दोस्तों, हमारा थंबनेल आ चुका है। तो ये तो था हमारा स्टेप वन बेसिक इन्फो, जो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेकंड स्टेप है एडवांस्ड सेटिंग्स, और यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे ये सब प्लेलिस्ट मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, मैथ, ट्रैवल, स्पोर्ट्स। आप यहाँ से नया प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं, जैसे न्यू प्लेलिस्ट। तो मैं यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद है टैक्स। दोस्तों टैक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके वीडियो को सर्च होने में, आपके वीडियो का रैंक होने में। तो टैक्स दीजिए अपने वीडियो से रिलेटेड। दोस्तों हर टैग के बाद आपको कॉमा लगाना है, यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है एंटर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारा जो वीडियो है वो है हाउ टू अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब, तो हमें इसी से रिलेटेड टैग्स डालने हैं। तो चलिए डालते हैं। एक टैग है हाउ टू अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब, इसके बाद कॉमा देना है और कोई दूसरा टैग लिखना है तो और एक टैग लिखता हूँ, वो है यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स। उसके बाद कॉमा देना है, फिर कोई और टैग लिखना है तो और एक टैग लिखता हूँ अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब। दोस्तों इस तरह से आप कई सारे टैग्स डाल सकते हैं अपने वीडियो से रिलेटेड। और उसके बाद है एंड स्क्रीन। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज में वीडियो खत्म होने से पहले ही उसके ऊपर सब्सक्राइब बटन और दूसरे वीडियोज आ जाते हैं, यही होता है एंड स्क्रीन। दोस्तों एंड स्क्रीन बहुत ही मदद करता है आपके वीडियो को प्रमोट करने में और उनमें व्यूज बढ़ाने में। दोस्तों टैग्स के ऊपर है कार्ड्स। कार्ड्स भी आपके दूसरे वीडियोज को प्रमोट करने में बहुत मदद करते हैं। देखा होगा आपने वीडियोस के बीच बीच में जो दूसरे वीडियो सजेस्ट होते रहते हैं, वही नहीं कार्ड्स के मदद से किया जाता है। तो मैं यहाँ कार्ड्स और एंड स्क्रीन नहीं लगाने वाला, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। और उसके बाद है लैंग्वेज एंड सबटाइटल्स। दोस्तों यहाँ से आप अपने वीडियो का लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके नीचे सबटाइटल्स। आप यहाँ जो भी लिखेंगे वो आपके वीडियो के ऊपर दिखाई देगा और उसी को कहा जाता है सबटाइटल्स। दोस्तों सबटाइटल्स देने का फायदा ये होता है कि मान लीजिए आपका वीडियो लैंग्वेज हिंदी है और आप सबटाइटल्स इंग्लिश में देते हैं, तो जो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग हैं वो भी आपके सबटाइटल्स की मदद से आपके वीडियो को समझ सकते हैं, यही होता है सबटाइटल देने का फायदा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कैटेगरी। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने वीडियो का कैटेगरी सेलेक्ट करें। अगर आपका कॉमेडी वीडियो है तो कॉमेडी सेलेक्ट करें, अगर आपका वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन सेलेक्ट करें। यहाँ आप अपने वीडियो के हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ। और अब है रिकॉर्डिंग डेट। यहाँ से आप अपना रिकॉर्डिंग डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना रिकॉर्डिंग डेट डालिए। अब है एडिशनल सेटिंग। पहला ऑप्शन है एनाबल एज रेस्ट्रिक्शन, तो एज रेस्ट्रिक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है अलाउ एम्बेडिंग। अगर आपका वीडियो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर होता है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि व्हाट्सएप पर मैंने अपने दोस्त को दो वीडियो शेयर किया है, पहला जो वीडियो है उसमें अलाउ एम्बेडिंग ऑफ है
और सेकंड वीडियो में अलाउ एम्बेडिंग ऑन है यानी यस है। तो अगर हम इसे प्ले करेंगे जिसमें अलाउ एम्बेडिंग यस है तो ये इसी प्लेटफॉर्म पर प्ले हो जाएगा यानी व्हाट्सएप पर ही ये वीडियो प्ले होगा। आप देखिए ये वीडियो व्हाट्सएप पर ही प्ले हो गया हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। और जो पहला वीडियो है इसमें अलाउ एम्बेडिंग ऑफ है। अगर हम इसे प्ले करेंगे तो ये डायरेक्ट यूट्यूब पर ओपन होगा। अब देखिए दोस्तों एम्बेडिंग को आप ऑफ रखेंगे या अलाउ करेंगे ये आपकी मर्जी। दोस्तों थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, इससे आपके सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन मिलता है। और फोर्थ ऑप्शन को तभी क्लिक कीजिए जब आप किसी प्रोडक्ट का पेड प्रमोशन कर रहे हो या फिर स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, वरना नहीं। और अब है वीडियो लोकेशन। अगर आप इसमें कोई लोकेशन देते हैं और कोई उसी लोकेशन के लिए सर्च करता है तो उसके सर्च लिस्ट में आपके वीडियो आने के चांसेस होते हैं। और उसके बाद है लाइसेंस एंड राइट्स ओनरशिप। दोस्तों आप इसे हमेशा स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस से रखें, इसे आप क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर कोई आपके वीडियो को यूज कर सकता है, इसीलिए आप इसे हमेशा स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस से रखें। अब है कमेंट्स एंड रेटिंग्स। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है अलाउ कमेंट्स। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो कोई भी आपके वीडियो पर कमेंट नहीं कर सकता। अगर आप इसे अलाउ करेंगे तो इसमें भी तीन ऑप्शन हैं। पहला सब कमेंट अलाउ होंगे, दूसरा सब कमेंट होल्ड होंगे और तीसरा इन अप्रोप्रिएट कमेंट होल्ड होंगे। और जब तक आप उन होल्ड कमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो आपके वीडियो पर शो नहीं होंगे। और इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है यूजर्स कैन व्यू रेटिंग्स फॉर दिस वीडियो। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो आपके वीडियो पर से लाइक और डिसलाइक हाइड हो जाएंगे। तो ये तो था हमारा स्टेप टू जो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं स्टेप थ्री की ओर जो है प्रीव्यू एंड पब्लिश। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है सेलेक्ट विजिबिलिटी। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कौन आपके वीडियो को देख सकता है। इसमें है पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड। पब्लिक यानी सब। इसके अंडर में भी है सेट एज ए प्रीमियर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके फ्रेंड्स को इनविटेशन चला जाएगा और ये एक शो टाइप का होगा और इसमें आप चैट भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है प्राइवेट यानी कोई भी नहीं देख सकता, सिर्फ आप ही देख सकते हैं इस वीडियो को। इसके अंडर में भी है शेड्यूल एज पब्लिक। अगर आप इसमें टाइम और डेट फिक्स कर देंगे तो ये उस टाइम और उस डेट को अपना पब्लिक हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो तो हमें पब्लिक ही करना है क्योंकि प्राइवेट करके कुछ फ़ायदा है नहीं। लेकिन अपलोड करते वक्त मैं हमेशा इसे प्राइवेट रखता हूँ, सब कुछ कंप्लीट करता हूँ फिर इसे पब्लिक करता हूँ। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है अनलिस्टेड यानी जिसके पास भी इस वीडियो का लिंक होगा सिर्फ वही इस वीडियो को देख सकता है। तो दोस्तों स्टेप थ्री भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूरी कोशिश की तीनों स्टेप्स आपको डिटेल्स में समझाने का। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।